बात करेंगे यूएई अंडर 19 वर्सेस ओमान अंडर 19, इनके अलावा पाकिस्तान टेस्ट भी कवर करेंगे, इंडिया डोमेस्टिक टी20 भी कवर करेंगे। लेकिन एक चीज़ तो सही है कि मैं मेहनत करूंगा, लेकिन फल जो है ना वो सही सटीक नहीं मिल रहा है, बुरा तो लगता है बहुत सारा डोमेस्टिक मैच में, इस वजह से कवर नहीं करता। कि अगर यदि कवर करे और उसमें फ़ायदा ही ना हो तो क्या फ़ायदा। लेकिन अब थोड़ा सा जो है ना मतलब मेहनत ज़्यादा करने का मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन रिजल्ट थोड़ा सा बेहतर आए तो मज़ा आएगा। काफ़ी टाइम हो चुका है जो कि लगातार विनिंग हमारे लोगों का हो, लगातार विनिंग का जो है ना रुकावट काफ़ी टाइम से चल रहा है। तो भगवान से यही दुआ करेंगे कि हम लोगों का लक आए और पहले जैसा विनिंग करें। तो मेरे भाई चलिए यहाँ पर बात करें यूएई ओमान अंडर 19 अगर यदि हमारे साथ खेलना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को आपको ज्वाइन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि पाकिस्तान टेस्ट इनका लाइनअप नहीं आएगा, लाइनअप दूंगा, इनके अलावा फाइनल टीम जिस टीम से मैं खुद खेलूंगा, पिच रिपोर्ट, प्लेइंग 11, यानी कि एक शानदार से शानदार बेहतर से बेहतर टीम बनाने के लिए जितने चीज़ों की आवश्यकता होती है ना मेरे भाई, सारा कुछ टेलीग्राम पे ही तो मैं देता हूँ। तो दोस्तों हमारा टेलीग्राम चैनल आपको इस प्रकार से दिखाई देगा, 56.9 के सब्सक्राइबर के आसपास, यहीं पे आपको आकर जुड़ जाना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक या फिर फर्स्ट कमेंट जो था वीडियो पे वहाँ पर भी लिंक होगा, उन्हीं के सहायता से जुड़ोगे तो ये ओरिजिनल चैनल पे आ जाओगे। तो दोस्तों ओमान जो एक मुकाबला ऑलरेडी खेल रखा है तो इन्हीं के स्कोर कार्ड पे आपको नहीं चलना है, क्योंकि सामने का टीम जो था वो क्वार्टर अंडर 19 था, लेकिन सामने की टीम है यूएई, तो इसी वजह से आप लोग थोड़ा सा यहाँ पर समझना होगा। देखो एम आसिफ सैयद की बात करिए, इंपॉर्टेंट रहेगा, बढ़िया ऑलराउंडर है, कैप्टन विजिप दे सकते, यहाँ तक सही है। एल सतीश नारायणा की बात के इनका देखोगे करियर रिकॉर्ड बहुत बढ़िया, ऐसा नहीं कि 18 रन जड़ाइए, करियर रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा, 8 70 31 40 ऐसी है। इनके अलावा आदर्श श्रीनिवासन की बात की या जीएल पर ट्राई करना, आशीष पल्ला पल्ली की बात की जाए इनका भी रिकॉर्ड ठीक ठाक है, लेकिन इनको भी जीएल पर ट्राई करना चाहिए। आर्यन बिष्ट गेंदबाजी भी करता, कैप्टन बीसी का बढ़िया च्वाइस रहेगा, बाकी बल्लेबाजी से ज़्यादा असरा रखने की किन्हीं से ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत है तो गेंदबाजी से। अराफत इंपॉर्टेंट रहेगा, कैप्टन बीसी दे सकते हो पहले गेंदबाजी पे, मोहम्मद आसिफ गेंदबाजी बल्लेबाजी दोनों करेगा, ये भी कैप्टन वाज का बढ़िया है। डब्लू अब्बास करियर रिकॉर्ड देखोगे तो उतना खास नहीं है, लेकिन आपको 7 से 8 ओवर तो कम से कम डालना चाहिए। आर्यन बिष्ट 3 विकेट ले गया 5 मिलियन के साथ, मुझे कुछ नहीं बोलना, गजब की गेंदबाजी। पी रमेश यहाँ पर 3 विकेट ले गया, थोड़ा सा अंत पे ये गेंदबाजी करता है, डेथ पे भी आता है, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, कैप्टन बीसी के बारे में अभी से ही सोचते रहना है। इनके अलावा दोस्तों यहाँ पर यूएई अंडर 19 सामने वाली टीम बहुत कमजोर था, तो 30 के अंदर ऑल आउट कर दिया, लेकिन ओमान अंडर 19 उतना कमजोर नहीं है। हालांकि यहाँ से हरीश शेट्टी 3 विकेट ले गए, अयान खान काफ़ी इंपॉर्टेंट गेंदबाज है, 6 मेडन 5 विकेट भैया, यानी कि इनका गेंद पर सिंगल भी लेना मुश्किल है, याद रखना। ये बादामी की बात के 5 ओवर में 4 मेडन 1 रन दिया तो 1 विकेट भी ले गया, वो तेरी गजब की गेंदबाजी। हर्षित सेट की बात किया, 1 ओवर भी नहीं डाला, 1 गेंद ले गया, इनके बाद देखा सामने का पूरी छपरी तपरी खत्म है, यानी कि ऑल आउट हो गया। बल्लेबाजी क्या रहेगी मेरे भाई, 30 रन का जरूरत है, 10 रन मार का नाबाद रहा। इनके अलावा ध्रुव प्रासर जो है ये एक बढ़िया ऑलराउंडर है, हो सके फुल गेंदबाजी इनकी टीम की हो 50 ओवर की, तो ये भी कुछ ओवर डालते हुए नजर आएंगे, करियर रिकॉर्ड बढ़िया है, सिलेक्शन कम है। ए शर्मा कैप्टन बीसी भी दे सकते हो, एक बढ़िया विकेट कीपर बल्लेबाज है। आर्यन सक्सेना जीएल पर ट्राई करना चाहिए, उतना खास है नहीं। ई डसूजा खेलेगा, इंपॉर्टेंट रहेगा, टी सूरी एवरेज प्लेयर है। तो मेरे भाई ज़्यादा कुछ नहीं देखेंगे, सीधे कॉम्बिनेशन के ऊपर बात करेंगे, लेकिन इससे पहले कि यदि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ड्रीम इलेवन से रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है मैं सबसे पहले इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। इनके अलावा कुछ जानकारी लेना हो इंस्टा पे मैसेज करो, मैं वहाँ पर सारे लोग का रिप्लाई भी देता हूँ, वो भी बेहतर तरीका से। तो मेरे भाई ऑलरेडी मैं यहाँ पर एक टीम बना के रखा हूँ, देखो इस टीम पे आपको करना है क्या, पहले ये टीम को आपको छाप लेना है। अब यहाँ पर देखोगे एल नारायणा को जो मैं यहाँ पर पिक किया, इनके जगह पहले गेंदबाजी ओमान अंडर 19 करे, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, डब्लू अब्बास को यहाँ से पिक कर सकते हो। बाकी यहाँ से देखा जाए तो ये श्रीनिवास तो खास है नहीं, एल नारायणन खास है तो मैंने पिक भी कर रखा है, और यहाँ से ज़्यादा नहीं लगता, तो यहाँ पर डब्लू अब्बास को पिक कर सकते हो, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो डी प्रासहर को ड्रॉप करके यहाँ से लक्ष्मी नारायण, यानी कहने का मतलब डब्लू अब्बास के ऊपर भी जा सकते हो, लेकिन ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट प्लेयर है, हालांकि गेंदबाजी लास्ट मैच में नहीं किया, लेकिन गेंदबाजी बल्लेबाजी दोनों करना चाहिए।
कैप्टन बीसी का ऑप्शन देखोगे मेरे भाई, कैप्टन तो सेफ ए बिस्ट है ही, लेकिन यूएई की टीम थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है तो ए खान इंपोर्टेंट रहेगा, ए बदामी इंपोर्टेंट रहेगा, एस सेड भी इंपोर्टेंट रहेगा, और डी परासर गेंदबाजी कर दिया तो इंपोर्टेंट रहेगा। तो ये सब होना चाहिए, सेफ कैप्टन से एम असीफ होना चाहिए। देखो ओपन भी करेगा, 10 ओवर भी करेगा, तो होना चाहिए सेफ। लेकिन गेंदबाज जो है ना, इनका इकोनॉमी रेट काफ़ी अच्छा रहता है, विकेट टेकिंग गेंदबाज नहीं है। फिलहाल के लिए टीम सेफ कर लो, इसमें जो भी चेंज होगा आपको अपडेट कर दिया जाएगा, कहाँ, अपने टेलीग्राम चैनल डोमेस्टिक प्लेइंग 11 पे। तो आशा करते हैं भगवान की कृपा से हम लोगों का रिजल्ट बेहतर जाए।